रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है बिल्कुल. ओके गाइस, सो बी अ प्रीटी सिंसियर नाउ. अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेपोजिशन. चलिए, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, गिव योर कंसेंट वंस यू फील लाइक द स्क्रीन इज गेटिंग शेयर्ड. ओके, बट स्टिल होता है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा डाल दूंगा, डोंट वरी. या किसी से भी पूछो, फ्रेंड से, योर फ्रेंड विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइड. गाइस क्या कह रहे हैं, यस द द लैपटॉप्स कैमरा इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी. आई विल हैव टू टेक लाइक न्यू काइंड ऑफ कैमरा, यू नो. देखते हैं क्या होता है गाइस. चलिए गाइस, तो आई हैव शेयर द स्क्रीन, गिव योर कंसेंट इफ यू सी द स्क्रीन नाउ. कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ओके, यस सर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. चलिए, तो नाउ लेट्स गो ऑन द रोलर कोस्टर राइड. आने वाला है मजा, इसलिए रहिएगा तैयार. नहीं रहिएगा सिंसियर तो कान पकड़ के ऐठ देंगे, ठीक है. चलिए, सो गाइस स्टार्ट नाउ. सो प्रेपोजिशन के बारे में अगर मैं बात करूं, किसी एक भी बच्चे से मैं पूछता हूं, दो राजा ने बताया था, तो ऑलमोस्ट ही वॉज प्रिटी नियर टू इट. बट थोड़ा सा बच्चे, अब बच्चे हम नहीं रह गए, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द, यू कैन से लाइक टफेस्ट, बट येस इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर इट देन इट इज डेफिनेटली टफेस्ट. आई लास्ट नो आई टेल लेट इट बी. ठीक है, ये क्या होता है, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड. हाँ प्लीज प्लीज, जो खुद इनिशिएट करना, डेफिनेटली आइए बोलिए सर. प्रीपोजिशन आर द सर प्रिपेयर वर्ड्स यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और अ प्रोनाउन विद ऑब्जेक्ट और एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके चलिए, तो प्रेपोजिशन एज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन गाइस, यू कैन सी दैट प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लग जाता है, ठीक है. और क्या करता है, उसका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के बीच में बताता है, या सेंटेंस के कुछ अलग वर्ड्स हैं उसके साथ उनका क्या रिश्ता है उसको स्थापित करता है, ठीक है. सो ये मेरा ये सो अगेन इट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप गाइस. अब थोड़ा सा जब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा. जैसे कि जॉन गेव लेक्चर ऑन सोशलाइजेशन, ठीक है. अमन टेल मी व्हाट इज सोशलिज्म हियर. सोशलिज्म सोशलिज्म अमन बेटा, सोशलिज्म यहाँ पे क्या है? समाजवाद. मैंने मीनिंग नहीं पूछा बेटा, आई आस्क्ड इन ग्रामेटिकल टर्म व्हाट डू वी कॉल सोशलिज्म सोशलिज्म व्हाट डू वी कॉल. ओके नो वरीज. गीता गीता आर यू देयर अवेक इन द क्लास और राइट इन. हाँ बेटा, ग्रामर ग्रामर में कितने में क्या बोलोगे, नाउन प्रोनाउन समझ नहीं आया. ओके सोशलिज्म क्या नहीं. ओके वेट वेट आई एम कमिंग टू यू. आई सोशलिज्म ग्रामेटिकल टर्म है, जैसे कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव क्या है, प्रेप कंजंक्शन इंटरजेक्शन क्या है, बताएंगे आप? ये जब तक पहचान नहीं होगी ना तब तक आप प्रॉब्लम फेस करोगे, तो इसीलिए इसको पहचानना सीखो. अगर आपने पहचानना कौन महानुभाव है, राजा है, आप कौन बोल रहे हो? Yes, sir. I'm sorry, I cannot see you. That's the main reason behind that. Anyway, now I can. Raja. हाँ ठीक है राजा, go ahead, tell me.
बोलो। अकॉर्डिंग टू मी है सोशलिज्म इज एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूँ कि पूरा लेक्चर ऑन सोशलिज्म ऑब्जेक्ट है, तब क्या क्या बोलोगे तुम? गलत तो नहीं बोल सकते ना? सर नाउन सर हियर बट अगर देखा एग्जैक्टली जाए तो सोशलिज्म एक तरीके का नाउन है। हाँ, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टि ने भी पकड़ा इसको, विकास भी बोल रहे हैं। विकास तो समाजवाद, अच्छा तब नाउन बोला रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली और कुछ और एक्सप्लेनेशन के साथ आया पलक, नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखा यहाँ पे कि नाउन के पहले ऑन यूज हुआ, और क्या हुआ कि एक जो लेक्चर, सॉरी यहाँ पे सी में सी, तो इसने सोशलिज्म का जो रिलेशन है लेक्चर के साथ बताया, ठीक है। या अदर वर्ड्स के साथ भी देखोगे तो उसने लेक्चर दिया किस चीज़ पे दिया? सोशलिज्म पे दिया, ठीक है। निक्कू जी नींद नहीं खुलती, अलार्म लगा लो। खैर मैं भी क्या कहूँ, आई अगेन आई सेम प्रॉब्लम हैपेंड विद मी। नहीं सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा, और कुछ कुछ बच्चे तो भाई साहब थोड़ा लेट पिया हूँ मैं, हो गया तो बच्चे गहरी निद्रा में चले गए। पलक, वाह क्या बात है, और पलक ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कल कराए तो लाइक ज़्यादा बच्चे नहीं थे। गुडनेस बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है गाइस। तो आपने देखा प्यारे बच्चे कि सोशलिज्म यहाँ पे नाउन के पहले आया प्रेपोजिशन, एंड इट लाइक इस्टेब्लिश द रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो ये मेन काम होता है प्रेपोजिशन का, तो इसलिए जो रिलेशनशिप जोड़े ना, इसलिए पंडित जी का रोल कैसे पूरे आपके लाइफ में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रिश्ता जोड़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों कि प्रेपोजिशन यहाँ पर रिश्ता जोड़ने का काम करता है। खैर वो तो कंजंक्शन का भी काम होता है, बट प्रेपोजिशन का थोड़ा सा स्टाइलिस्ट वाला काम है। तो प्रेपोजिशन को काफ़ी अच्छे से ध्यान करिए, अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है गाइस। नूर से मेरे घड़ी नींद में नहीं आती, वाह मेरे दोस्त बिल्कुल। नींद त्याग दो, नींद त्याग दो। चलिए, हर ऑब्जेक्शन इज टू व्हाट विल ऑल यू से, अगेन हर ऑब्जेक्शन इज टू व्हाट ऑल यू से। अब क्या है, इन्होंने दो रिलेशन, दो सब्जेक्ट, आई मीन दो सेंटेंसेस को भी एक तरीके से कोरिलेट करके यहाँ पे मीनिंग बताया। तो दिस इज व्हाट द प्रेपोजिशन इज ऑल अबाउट। ओके, अच्छा अब हम सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टू है, ठीक है, फ्रॉम है, इन टू है, ऑन टू है गाइस, ठीक है। तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा हम सिंगल वर्ड से आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रेजेस होते हैं जो कि प्रेपोजिशन का रोल प्ले करते हैं गाइस। तो ध्यान रखना कि फ्रेजेस भी होते हैं जो प्रेपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, उसको हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन, आप सबको इसका पता होगा कि सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन प्यारे दोस्तों क्या होता है, इन, एट, आफ्टर, विद, अबव, अंडर, ये सब होता है। चलिए फ्रेज, वही अगर मैं फ्रेज प्रेपोजिशंस की बात करूँ तो उसको मैं कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस भी कहता हूँ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस क्या होता है, कुछ इसके फॉर्म्स देख लीजिए, ठीक है। इसका फॉर्म कैसे होगा, सबसे पहले क्या आता है, वर्ब आता है, ठीक है। उसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या कंजंक्शन आएगा। मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन या फ्रेजल प्रेपोजिशन का जो मेकिंग होता है वो कैसे होता है, ध्यान दो। पहले आपका वर्ब, फिर आपका कोई भी एडजेक्टिव ले लो या कोई भी कंजंक्शन ले लो, ठीक है, या कंजंक्शन ले लो, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे आके कि आप देखो प्रेपोजिशन, अब एक्सेप्ट फॉर, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ओके, बट फॉर, ठीक है। तो ये होता है फ्रेजल प्रेपोजिशंस या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, ठीक है। ओ मतलब उससे अधिकार के सेंस में बात करते हैं, ठीक है, अपनाना, अपना के सेंस में, ठीक है गाइस। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि
जो स्टार्टिंग का वर्ड हो सकता है कुछ भी हो सकता है, पहले वर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर कंजंक्शन होगा, उसके बाद कोई भी एक प्रेपोजिशन ले लो, टू ले लो, ठीक है, फॉर ले लो, ऑफ ले लो, कुछ भी ले लो इस तरीके से। तो प्रेपोजिशन का तो रहेगा ही, बट उसमें एक और वर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन जोड़ दो तो वो फ्रेजल प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसका यूज़ देखते हैं, यूज़ के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा समझ आएगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे भी प्रेपोजिशंस होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, कुछ अब अलग अलग थोड़ा सा प्रारूप होता है, खैर इस पे लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। पहले एडवर्ब आएगा फिर प्रेपोजिशन आता है, तो ये भी एक तरीके का फ्रेजल होगा, जैसे कि अपार्ट एडवर्ब है उसके बाद आपने फ्रॉम प्रेपोजिशन लगा दिया, एज आपका एडवर्ब है अभी भी सीखा था आपने, उसके साथ आपने फॉर लगा दिया, टुगेदर आपका एडवर्ब है उसके साथ आपने विद लगा दिया। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूजली मेक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस। फिर प्रेपोजिशन के साथ नाउन है फिर प्रेपोजिशन है, जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ, ओके ऑन अकाउंट ऑफ, पहले आपने प्रेपोजिशन यूज किया फिर नाउन यूज किया फिर आपने प्रेपोजिशन यूज किया, प्रेपोजिशन नाउन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन नाउन प्रेपोजिशन गाइस। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज जनरली मेड। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं प्यारे दोस्तों जो प्रेपोजिशन में एंड होते हैं, उसके बारे में ध्यान देंगे। बट पहले क्या था कि पहले धारणा थी, जब भी कोई चीज़ मेकिंग में होता है या जब भी कोई कोई चीज़ डिस्कवरी के फेज में होता है, तो उस समय बहुत सारे उसमें रिफॉर्म्स आते हैं, तो उस तरीके से जब इंग्लिश का जब वो मेकिंग हो रहा था एक तरीके से, तो वहाँ पे क्या था कि जब भी लोग प्रेपोजिशंस यूज करते थे सेंटेंस के साथ, तो इट वॉज कंसिडर्ड एज रॉन्ग। ठीक है, तो उसके साथ लोगों ने बोला कि अननेसेसरी है, इट इज़ जस्ट डिबंक्ड, इट्स नॉट ट्रू एंड इट्स ने इट इट वॉज नेवर ट्रू। ठीक है, बट लुक क्या होता है, अब कुछ अब देखो कि राइटर्स जो हैं वो भी कहते थे कि एंड सेंटेंस ऑफन एंड एंड अप विद सिल्टेड एंड अननेचुरल सेंटेंसेस, अगर आपने प्रेपोजिशन यूज कर लिया लास्ट में तो थोड़ा सा अलग तरीके का मीनिंग आएगा। बट सर्टेन सर्कमस्टांसेस में क्या है, भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, आप भी देखोगे इंग्लिश ग्रामर में कि बट इंग्लिश ग्रामर में एक ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कुछ ऐसे मतलब इस तरीके के प्रेपोजिशन आप लास्ट में यूज कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा देखते हैं, दिस इज द गर्ल आई गेव द बुक टू, अब दिस इज द नीड ऑफ टाइम, आई मीन नीड ऑफ द सेंटेंस, यू हैव टू यूज इट, तो मेक श्योर कि अब कोई आपको यह रूल बता दे कि भाई प्रेपोजिशन लास्ट में नहीं यूज होगा, तो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है आपको। यह जरूर ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे फेजेस होते हैं वेर इट इज नॉट रिडंडेंट, इट इज मट मच नीडेड टू यूज इट। ठीक है, तो इसके बिना मीनिंग क्लियर नहीं आता, दिस इज द हॉस्पिटल दैट आई वॉज बॉर्न इन। ठीक है, तो ये मीनिंग क्लियर हो गया। ओके सो सारे बच्चे एक बार प्रेपोजिशन, क्योंकि ये थोड़ा सा अननेचुरल स्टाफ है, तो सारे बच्चे एक बार प्रेपोजिशन जल्दी से एक बार मेरे को फ्रेम करके दिखाएं, इस तरीके के सेंटेंसेस जिसके लास्ट में प्रेपोजिशन आता है। क्विक फायर एक्शन, 3 2 1, इज देयर समबडी हु वांट्स टू स्पीक, अनम्यूट किया था आपने। यस सर, सर एक सेकेंड, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, ओके एनीबडी एल्स, सबके उंगली में दर्द हो रहा है, नहीं सबका कैमरा ऑन करवा दूं क्या? चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट बैच जब मैं शुरू करूंगा ना, उसमें पेरेंट्स फॉर्म भरवाया करूंगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, पिताजी का नंबर, ठीक है, ये जरूरी है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ सीधे पिताजी के पास कंप्लेन, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन टाइम पास। हाँ भाई और कहाँ गए, आराम फरमा रहे क्या चद्दर के नीचे आराम से? हाँ भाई सर तो बोल ही रहे हैं आँख बंद कर लो, आँख को दर्द नहीं देंगे, है ना, प्लीज डोंट डू दैट। ओके मेरे थिंक इट्स बॉट। अच्छा दास दीक्षित भी नहीं है क्या? कम ऑन गाइस,
दीक्षित है यहाँ पे, दिस इज द बॉय गेव अ बैट टू. वेयर आई वॉज स्टडिंग, इन लिख सकते हैं. देखो जी नूर आलम इज कहाँ आया दिस के बाद. इज पलक ही है और सी इज स्टिल अगेन इन, फिर से हाइबरनेट हो गई है. सर उठी हूँ तो सेंटेंस उठी बनाओ. हूँ उठी हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या लिखूँ। अच्छा, सोचो समझो. यस सर, बना रही हूँ बना रही। ओके. वेर इज दृष्टि. गीता का भी सेंटेंस नहीं आया अभी तक. बहुत आई मीन सर लिख रही हूँ लिख रही हूँ। प्रीति का भी नहीं आया. दिस इज द फोन विच आई विच है ना ट्रिकी. सो अगेन इट इज लाइक दैट. दिस इज द वेयर आई वॉज शॉपिंग फ्रॉम. सर, डू यू हैव अ प्लेस टू सिट ऑन? सर, डू यू हैव अ प्लेस टू सिट ऑन? हाँ मैं बैठा हूँ ना अपने घर पे. आई हैव प्लेस, मैं खड़ा थोड़ी ना हूँ. क्वेश्चन अच्छा, यू आर फ्रेमिंग द सेंटेंस. सर, आई हैव टोल्ड दैट द लास्ट. ओके, ठीक है, सेंटेंस इज गुड मैन. चलिए तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे. अब जिन जिन को दिमाग में आता जाए तो बनाते जाना, ठीक है. दृष्टि राजा फ्रॉम नहीं आएगा बीच में बेटा, कहाँ नहीं आएगा. दृष्टि, दिस इज द गाय यू आर लुकिंग फॉर. चलिए आइए गाइस. कुछ बच्चों के अगर नहीं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे विजन में आइए. सेंटेंस फ्रेम करिए प्रॉपरली जिससे कि मैं आपका नाम ले पाऊँ. और जाग के रहो, जागते रहो, नहीं तो बहुत कुछ गुम हो जाएगा, ठीक है. देयर इज नो वन एल्स टू हाइड बिहाइंड, ठीक है. ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट एंड नेचुरली यूज हुआ है. तो अब मुझे कोई भी इंटेलेक्चुअल ये नहीं कहेगा कि सेंटेंस गलत है. देयर इज नो वन एल्स बिहाइंड होम टू हाइड. अब बट इसमें ये है कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है बट अननेचुरल लग रहा है सेंटेंस. बट ऊपर वाले सेंटेंस में देखोगे तो नेचुरल जो है काफ़ी मतलब ऑर्गेनिक लग रहा है गाइस, अगर ऊपर वाला सेंटेंस देखो तो. दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस. चलिए अब रूल्स करते हैं. यहाँ पे अगर आप रह गए तो आप फंसोगे. तो मेक श्योर दैट नो बडी मिसेस इज आउट. प्रॉपरली सुनिए ध्यान से और पेन पेपर रखिए. वो तो मैं पीडीएफ भेज ही दूंगा, लेकिन अगर आपका ढंग से अगर ये प्रिपरेशन नहीं है तो प्रॉब्लम में रहो, ठीक है. चलिए रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन क्या कहता है. अ प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज. देखो क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में होता है, तो ये आपको मैंने बताया अभी पिछले वाले उसमें कि सेंटेंसेस में कैसे लास्ट में आता है प्रेपोजिशन. व्हेन अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड इन द सेंटेंस दिस इज द गर्ल यू स्पोक टू, ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको शायद मैंने बताया है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट. एनी वे, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट. लेट मी करेक्ट द सेंटेंस. चलिए यहाँ पर जैसे कि दिस इज द गर्ल यू स्पोक टू, तो लास्ट में आया और मीनिंग दे रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि जब भी सेंटेंस में आप देखोगे कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, मतलब जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम अगर दैट कर रहा है तो उसके साथ आप प्रेपोजिशन लास्ट में यूज करो तो इट विल गिव प्रॉपर मीनिंग. जैसे कि हियर इज द पेंसिल दैट यू आर लुकिंग फॉर. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. अच्छा, जब कभी कभी प्रेपोजिशन एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन एक्ट करता है, ठीक है. आई मीन सॉरी, जब कभी कभी प्रेपोजिशन क्या करता है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन पे एक अपना प्रभाव जमाता है, ठीक है. तो उस केस में भी आप प्रेपोजिशन को लास्ट में रखते हो. जैसे कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पे आपने देखा कि
गाइस, इससे पहले मैं क्या था कि मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया सेंटेंस लास्ट में कैसे हम प्रेपोजिशन, सेंटेंस के लास्ट में हम कैसे प्रेपोजिशन रखेंगे। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, साथ में आपको उसके रूल्स बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपने इसको रखना है। तो आई हैव यू नो जस्टिफिकेशन फॉर एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई बिलीव इन। आई डोंट वॉन्ट टू मग अप एनी स्टफ, आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट रोट अप। रोट लर्निंग नहीं करना है, या रट्टाफिकेशन मत करो, समझो चीजों को फिर करो। ये हमने कर लिया था ना, इफ ए प्रोपोजिशन गवर्न्स अ रिलेटिव प्रोनाउन देन इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये कर लिया था। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि यहाँ पे होम क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन करे, तो उस केस में आपने प्रेपोजिशन लास्ट में रखना है। तो इट इज़ जस्ट ओके, आई मीन आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज। इसलिए पेन एंड पेपर हैंडी रखिए, अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए। बट आई जस्ट बिलीव इन कर्मा एंड एनी थिंग दैट यू हैव, दैट यू नो द मीनिंग। इफ नो इट इज जस्ट रिडंडेंट, ठीक है, नो यूज, अननेसेसरी होगा। कुछ भी आप यूज करते हो तो वो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके मार्क्स कटेंगे। देखो गणित में क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो 0.83 मार्क्स ही कटता है, बट इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस हैं और उसमें अगर आप गलती करते हो तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं, अगर वही अगर आप गलती कर देते हो तो 1.33 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहे। तो कम मार के आओगे तो आपके मार्क्स कम आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए चीज़ों को काफ़ी उसका आपको प्रूफ पता होना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट ओनली लाइक इन एजुकेशन, लाइक इफ यू नो द प्रूफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इन 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 द सोसाइटी अमंग द पीपल। सो मेक श्योर गाइज यू आर एक्टिंग लाइक दैट। चलिए, तो व्हेन द प्रेपोजिशन इज यूज्ड विद इन्फिनिटिव दैट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। नूर बताएगा मुझे व्हाट इज इन्फिनिटिव। नूर अनम्यूट करो। इन्फिनिटिव क्या है बेटा? सर व्हाट इज इन्फिनिटिव, मतलब तुम बता रहे हो, पूछ रहे हो? सर याद नहीं आ रहा है। तुम ऐसे बोलो ना कि याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे बोलो ना कि आई डोंट नो। आई मीन अब तुम पूछ रहे हो व्हाट इज इन्फिनिटी, मतलब मेरा क्वेश्चन मेरे पे दाग दिया। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। ओके नो वरीज, मैं बताऊंगा तुम्हें। चलो इसको म्यूट करो। दृष्टि, क्योंकि इन्फिनिटी भी रिसेंटली पढ़ा है मैंने, रिमेम्बर वर्ब में। तो याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। आ, 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 अमन बेटा, अमन ओके सर, आर्यन कैन आई ट्राई सर? राजा बेटा आई एम कमिंग टू यू, वेट वेट वेट, लेट मी आंसर द चैट। हाँ अरे ऋतिक है, बताइए कहाँ गुम था। आर्यन बोलो जल्दी। यस सर। सर एग्जैक्टली नहीं पता सर इसका मीनिंग, बट जब वर्ब में वर्ब के आगे टू लगाएंगे ना तो वो इन्फिनिटिव बनता है, और जब आईएनजी लगाएंगे ना तो जेरे। चलो आई एम कमिंग, ठीक है। ओके 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 ओके, अब 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 चलो गाइस, बता दिया है तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ना। एग्जैक्टली उन्होंने सही कहा कि वर्ब के पहले अगर टू आता है तो उसको हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपने देखा इस सेंटेंस में उन्होंने कहा कि व्हेन द प्रेपोजिशन इज यूज्ड विद द इन्फिनिटिव, जब भी सेंटेंस में क्या है कि प्रेपोजिशन जब भी इन्फिनिटिव के साथ यूज हो रहा है दैट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो उस संदर्भ में आप प्रेपोजिशन को लास्ट में रख सकते हो, जैसे कि डू यू हैव अ प्लेस, इन्फिनिटिव क्या है टू, उसके बाद क्या आ रहा है वर्ब, डू यू हैव अ प्लेस टू सिट ऑन, उसके बाद आपने देखा प्रेपोजिशन, ठीक है गाइस समझ आ गया। तो मारिए थम्स बटन, हम थम्स अप करिए।
Okay. So guys, let me proceed further now. समझ आया? जल्दी से थम्स अप करो. ओके. नहीं समझ में आया तो बोल देना. चलिए, सम वर्ड्स विद प्रेपोजिशंस कैन टेक द जेरंड एज वेल एज द सर इन्फिनिटिव. इन्फिनिटी में सर इन्फिनिटिव क्या होता है बेटा? कि हाँ जी, इन्फिनिटिव एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. बता रहा हूँ. इन्फिनिटिव, जब भी वर्ब के पहले टू आएगा तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं. दोबारा सुनेंगे, जब भी वर्ब के पहले टू आता है उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं. ठीक है? ओके. चलिए, सम वर्ड्स विद प्रेपोजिशन कैन टेक द जेरंड एज वेल एज द इन्फिनिटिव्स. ठीक है? कुछ वर्ड्स प्रेपोजिशन के साथ होते हैं तो वो कभी कभी जेरंड भी बन जाएगा और कभी कभी इन्फिनिटिव के साथ के जैसा भी काम करता है. तो देखते हैं कि उस सेंटेंस को पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं. सी इज अफ्रेड ऑफ, सी इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट अलोन एट नाइट. ठीक है? तो आपने देखा कि जब एज अ जेरंड काम कर रहा है उसके पहले आपने प्रेपोजिशन यूज कर दिया. ठीक है? अब एज प्रेपोजिशन एज इन्फिनिटिव काम कर रहा है. ठीक है? एक सेकेंड, एक ध्यान देना. देखो, ठीक है? तो आपने देखा कि एक कभी कभी ये जेरंड का फॉर्म ले लेता है और कभी कभी प्रेपोजिशन के साथ यूज हुआ वो वर्ड क्या ले लेता है? इन्फिनिटिव का रूप. ठीक है? तो इट इज जस्ट टू शो यू गाइस कि ऐसा हम हो जाता है, लेकिन इट इज लाइक ये नहीं आएगा कि जेरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए. ओके गाइस, अब देखिए अगला आपका रूल कहता है कि एक प्रेपोजिशन जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो सकता है जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो. जैसे टू हुम आर यू रेफरिंग, इन विच कंट्री डू यू लिव. ठीक है? तो इन केसेस में भी प्रेपोजिशन यूज होता है. तो कभी कभी जब इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तो नेवर कंसिडर इट रॉन्ग. इसकी ग्लिम्सेस, इसके ग्लिम्सेस मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप जो है तैयार रहें कोई भी काउंटर अटैक करने के लिए. ठीक है गाइस? रीआइटरेट करने के लिए. चलिए अगला पड़ाव पे आते हैं. फोर्थ क्या कह रहा है कि प्रेपोजिशन फ्रॉम, सिंस, फॉर जनरली टाइम को रेफर करने के लिए यूज होता है. ठीक है? कर्सर प्लीज. ओके. इट इज जनरली रेफर टू, इट इज यूज टू रेफर द टाइम. मोर स्पेशली फ्रॉम, सिंस क्या करता है? टाइम को रेफर करता है, आई मीन पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करता है. और फॉर क्या करता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जैसे कि पलक, मेरे को सिंस से एक वो बनाओ टाइम पीरियड का, जल्दी बना के बताओ. मतलब सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, जल्दी बताइए. सर आई एम स्टडिंग सिंस 9 o'clock. ठीक है? तो टाइम के लिए, आई मीन टाइम इंडिकेट करने के लिए भी आप सिंस यूज कर सकते हो. ओके, म्यूट योर सेल्फ. प्रीति, फॉर से एक सेंटेंस बनाइए जो कि टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करे. सर बोलो, कोई नहीं. जस्ट ट्राई, इट्स फाइन प्रीति. फॉर से कुछ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दो. माइंड में नहीं आ रहा है. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. म्यूट कर लो, कोई बात नहीं है. ओके, नाउ आई हैव द नेक्स्ट स्टूडेंट एंड ही इज नहीं, ऋतिक का तो हो गया था. राजा विकास ने क्या बनाया है? ही हैज बीन प्लेइंग इट सिंस डिनर. हैव बोलो. बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स. के 2 आवर्स. आपकी आवाज क्लियर नहीं है. ठीक है? तो एक्यूरेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं. फॉर, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स. ठीक है? इस तरीके से फॉर 5 वीक्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स. दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट एज पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड को डिनोट करें. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 10 o'clock.
ठीक है, सिंस यस्टरडे, इस तरीके से आप यूज कर, सिंस 19th सेंचुरी, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज सिंस एंड दिस इज हाउ यू हैव टू यूज फॉर। परफेक्ट गाइस, ओके चलिए और समझते हैं। अब चलिए थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ओके, सिंस मार्च यूज किया उन्होंने, आई हैव नॉट सीन हर फ्रॉम मार्च यूज किया उन्होंने, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 7 मंथ्स यूज किया। तो आपने देखा कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ पे उन्होंने फ्रॉम यूज किया या सिंस यूज किया, बट जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है एग्जैक्टली काउंट नंबर्स इन गिवन है 7 मंथ्स, तो उन्होंने वहाँ पे फॉर यूज किया। तो आगे से ये गलती नहीं करिएगा, आपको प्रिसाइजली इसको याद रखना है गाइस, ठीक है। चलिए अगले पड़ाव पे आते हैं। वी हैव रूल नंबर 5th दैट सेज द वर्ब्स विच आर प्लेस इमिडिएटली आफ्टर प्रीपोजिशन आर रिटन यूजुअली इन जेरंड फॉर्म। दोबारा सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब भी वर्ब क्या होता है प्रेपोजिशन के बाद आता है तो उसको एज अ जेरंड फॉर्म में आप समझोगे, ठीक है। जैसे कि जैकब इंसिस्टेड ऑन, जैकब इंसिस्टेड ऑन बाइंग अ कंप्यूटर। तो जब भी वर्ब से पहले अगर प्रेपोजिशन आ रहा है किसी भी केसेस में, आप देखना जब आएगा तो उस केस में मतलब जो वर्ब आएगा तो वो एज अ जेरंड कहलाता है, और जेरंड आपको पता है वर्ब के साथ आईएनजी होना चाहिए, मतलब उस केसेस को हम जेरंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ही लेफ्ट द होटल विदाउट, इट इज प्रेपोजिशन, और उसके बाद वर्ब आ रहा है तो उसको आप जेरंड फॉर्म में लिख दो विदाउट पेइंग द बिल। परफेक्ट गाइस, समझ आया? यह रूल लिखते चलिएगा पेन पेपर में, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिएगा, आज मैं इसको अपलोड करूंगा, ठीक है गाइस। ओके 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 ओके, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब सर भी रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पर मिलेगा? YouTube अंग्रेजी गुरुजी, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, कह रहा है कि जो वर्ब्स विच आर प्लेस्ड इमिडिएटली आफ्टर प्रीपोजिशन, कोई भी वर्ब किसी भी सेंटेंस में दोस्तों, जब भी यहाँ पे देखो कि प्रेपोजिशन के बाद है, यहाँ पे बाई क्या है, वर्ब है, और आ कहाँ किसके बाद रहा है, प्रेपोजिशन के बाद, मतलब वर्ब से पहले प्रेपोजिशन है या प्रेपोजिशन के बाद वर्ब है, तब उस केस में उसको आप जेरंड समझते हो। देख रहे हो आईएनजी वाला वर्ड आ गया, तो इससे आपको यह प्रतीत होता है कि हमेशा जेरंड फॉर्म में वो यूजुअली लिखा जाता है, जेरंड फॉर्म में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट जनरल फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है गाइस। क्लियर हुआ? स्टिल सम डाउट? यस सर। और मुझे ये हेलो छोट, सर, हाँ जी सर एक कंफ्यूजन है सर। बोलो बेटा। सर अगर कहीं लास्ट 6 मंथ होगा या फिर लास्ट जिसमें भी लगा होगा उसमें सिंस लगाएंगे या फोर? जैसे कि एक सेंटेंस बना के दिखाओ, सिंस लास्ट 5 मंथ्स और फोर लास्ट 5 मंथ्स सेंटेंस बनाना, सेंटेंस बनाना। आई बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट, आई बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट, तो ये तो ठीक है। और आई बीन स्टडिंग फोर लास्ट नाइट। नहीं, फॉर्म तो नहीं आएगा ना। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस, मैं अच्छा तुमने लास्ट लगाया तो तुम ये सोच रहे हो कि अदर वर्ड्स के साथ क्या है कि उसका फॉर्म ऑफ जो आपका सिंस फॉर या इसका फ्रेम चेंज हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं? सीन्स यूज करेंगे या फिर देंगे, ये प्रॉब्लम अच्छा ये प्रॉब्लम ये है। ओके ओके ठीक सर वहां पे है, जब ठीक है, लास्ट एक लगाए सेकंड एक ना सेकंड एक आई तो गॉट वहां सीन्स लगाएंगे सर, या फिर फोर? आपने कहा सिंस नाइट, ठीक है, आई होप यू कैन सी ऑन स्क्रीन। ओके, फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे, सर सीन्स लास्ट नाइट सर, ओके ओके ओके, लास्ट सिंस लास्ट नाइट कह रहे हैं ना, तो आपका यह पूछना है कि सिंस होना चाहिए या फॉर होना चाहिए, राइट? तो सिंस ही यूज होना होगा यार, सिंस ही यूज होगा। यस सर सिंस, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके सर। ओके, और कौन परेशानी है आप लोगों को? सुड आई प्रोसीड फर्दर और स्टिल है, स्टिल गॉट सम डाउट? क्या लगेगा सर? सुने नहीं, क्या लगेगा? कौन बोल रहे हैं?
अरे भाई सिंस सिंस लगेगा, सिंस लगेगा। हाँ बोलिए नितेश, जल्दी बोलो यार, वी हैव मच मोर टू डू यार। सर सर डाउट है सर, वो एग्जांपल दें आप उसमें कि जेकब का इंस्टेंट इंसिस्टेड ऑन बाइंग अ कंप्यूटर, मैंने कहा एग्जांपल दिया है? थोड़ा अच्छा ऊपर, वही है सर, ओके एक ओके। बार बता दीजिए ना फिर सर। अच्छा जैकब इंसिस्टेड ऑन बाइंग, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब उसने थोड़ा जोर दिया कंप्यूटर खरीदने पे। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि जब भी वर्ब से पहले प्रेपोजिशन आएगा तो वर्ब को उस संदर्भ में एज अ जेरंड यूज करो, ठीक है? मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगाना थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल समझो, ठीक है गाइस? थम्स अप दो यार, बढ़ना है आगे। सर इंसिस्टेड नहीं होगा सर। इंसिस्टेड तो होगा ना, कहाँ मैं कह रहा हूँ इंसिस्टेड। अच्छा जैकब इंसिस्टेड ऑन बाइंग, अरे भाई साहब रुको रुको, ठीक है इंसिस्टेड मेन वर्ब हो गया, मैंने मान लिया इंसिस्टेड मेन वर्ब हो गया। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ बाइंग तुम्हारा यहाँ पे वर्ब है, वो तो जेरन का काम कर रहा है, वो जेरन का काम कर रहा है। लेकिन कायदे से तो बाइक को आप वॉबी कहोगे ना, खरीदना वॉबी होता है ना या कुछ और होता है? क्या होता है? कायदे से तो खरीदना वॉबी होता है ना, बट कहने का एक तरीका सर आज समझाने का नहीं है हम कि अगर वॉ खरीदना वाले सर। वर्ड, हाँ वॉ वाले वर्ड से पहले अगर प्रेपोजिशन यूज करोगे तो आप उसको एज अ जेरंड समझ लेना, ठीक है? वैसे नाइस क्वेश्चन नीतीश, ठीक है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे दो दो वर्ब है सर, सर क्या कह रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं। ठीक है अब क्लियर हो गया ना, बढ़िया गया। थैंक ओके गाइस यस सर। ओके, चलिए कुछ और रूल्स हैं, यह भी कुछ कायदे से इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइजली समझते हैं चीज़ों को, ठीक है? कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले बच्चे वी हैव प्रेपोजिशंस पे, एक सेकंड पहले बच्चे एक सेकंड। अच्छा एक सिक्स टू सेवन वाले, 7 to 8 वाले क्लास में कौन कौन बच्चा आता है? एक तो आर्यन आता है, और भी कोई है? अमन आता है, एक तो दृष्टि भी आती है, ओके। लेकिन दृष्टि ज्वाइन रिसेंटली, और भी कोई बच्चा आता है क्या मॉर्निंग वाले में? नूर आलम भी आता है, ओके 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 ओके। वहाँ पे क्या क्या मतलब ग्रामर का ऑलमोस्ट पोर्शन मैं करा चुका हूँ, आज मैं जनरली वहाँ पे राजा भी आता है, ओके ओके ठीक है। अच्छा आज स्कूल है, नो वरीज गाइस। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि वहाँ पे आज सेंटेंस अरेंजमेंट की बात आज हम करेंगे, ठीक है? तो उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, चलो उस पर भी मेरे को पीपीटी बनाना है यार, बहुत है ठीक है भाई, चलो वो तो करेंगे, नो वरी। चलिए आइए, तब तक यहाँ पे देखते हैं गाइस, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, एक सेकेंड एक सेकेंड। देखो प्रेपोजिशन जो होता है जनरली डायरेक्शन के, अब मैंने क्या किया कि सेग्रीगेट कर दिया, बहुत सारे प्रेपोजिशन सेम वही प्रेपोजिशन कभी डायरेक्शन के लिए यूज हो जाता है, वही प्रेपोजिशन आपके लिए टाइम के लिए यूज हो जाएगा। तो आपको प्रिसाइज रहना पड़ेगा चीज़ों पे। अगर आपका कमांड अच्छा है तो आप उसको सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप फंसोगे फिर। एक ओके चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जो डायरेक्शंस के लिए यूज होने वाले प्रेपोजिशंस हैं वो आपके क्या क्या हैं, वह ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। ये आपका टू है, इन है, इन टू है, ऑन टू, ये जनरली डायरेक्शंस के लिए यूज होता है। जैसे कि सी ड्रोव टू द स्टोर, कि वो स्टोर की तरफ गाड़ी चला के गई।
डोंट रिंग द डोर विल कम इन द हाउस. ठीक है. ड्राइव ऑन टू द ग्रास एंड पार्क द कार देयर. मेरे को बताएगा निक्कू जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू. जल्दी से क्विक फायर एक्शन वाला काम करिए. ओके एंड दोज हु नो ओनली रेज योर हैंड्स. ठीक है. पल आई मीन निक्कू जी आर यू देयर. आप सो तो नहीं गए. हेलो 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 हेलो. यस सर. बताइए व्हाट इज डिफरेंस नो सर इन एंड इनटू. ओके ओके नो वरी. हेलो सर. हां जी आवाज आ रही है ना. आ रही है आपको. मेरी आवाज आ रही है आपको. मेरी आवाज आ रही है बच्चे. चलो कोई बात नहीं है. ओके नो वरीज. म्यूट कर लो म्यूट कर लो. शायद इन सिर्फ अच्छा कोई बात. मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ. मैं क्लेरिफाई सर मैं बताऊँ. रुक जा बेटा रुक जा. मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ. पलक दिस हैंड फर्स्ट वेट. बोलो पलक. So in is used to tell about the things that and into is used to tell about things in, and in is also used to tell the motion which is done in a curved means curved area, whereas into when to tell a thing a motion from an open area to curved area. Can you give an example? An example. So, for example, that my mother shopping in the mall. As for into the example is, he jumped into the well. Okay. चलिए guys, into इसलिए used हुआ. बिल्कुल ठीक है. Into इसलिए used हुआ कि the जब भी वो jump करेगा तो that human being or anything else, वो कूदने के दरमियान motion में रहेगा. ठीक है. जहाँ पे मोशन लीस्ट हो या ना के बराबर हो वहाँ पे आप इन यूज कर लोगे. ठीक है गाइस. एज सिंपल एज दैट. ओके चलिए ये क्लियर हो गया है. आगे बढ़ते हैं. एग्जांपल के तौर पे देखो सी ड्रोव टू द स्टोर. आपने देखा ये डायरेक्शन के यूज में होता है लेकिन मैंने इन इनटू इसलिए पूछा कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है कि मोशन कहाँ के लिए यूज़ कहाँ करेंगे और जब कोई भी वस्तु या चीज़ें कॉन्स्टेंट हो तब किस चीज़ में यूज करेंगे. Exactly. Okay. Perfect, guys. So many examples I can see here. Vikas, Aryan. Good, good. चलिए तो guys सारे initiate करिएगा. सारे बच्चे आइए और example दिया करिए. कम से कम बैठ idle बैठ के तो बेहद सही नहीं है ना. चलिए अगर हम time की बात करेंगे तो refer to and one point in time. Use preposition in, at, on and on. जब हम एक one point in time एक point की बात करते हैं time के लिए तो in, at, on भी use करते हैं. जैसे कि यूज इन विद पार्ट्स ऑफ द डे. ठीक है. इन किसके साथ होता है जैसे कि स्पेसिफिक टाइम मंथ्स ईयर्स सीजन्स के लिए आप इन यूज करते हो. एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे ही रीड्स इन द इवनिंग. ठीक है. ओके द वेदर इज कोल्ड इन डिसम्बर. यस सी वॉज बॉर्न इन 1996. The rake leaves in the fall. ठीक है. तो this is how generally in is used प्यारे बच्चों. तो यह आपको precisely पता होना चाहिए. ठीक है. तो अगर यह अच्छे से पता रहेगा तो आप problem face नहीं करोगे. Let me see like if I could tell anything more about it. जो मेरे दिमाग में नहीं है. ठीक है. मंथ्स के लिए बता दिया मैंने. अच्छा कुछ कोई भी चीज़ अगर इनक्लोज्ड हो. ठीक है. बंद हो उसके सेंस में भी हम इन यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे कि हिज वॉकिंग इन अ बिल्डिंग बोलेंगे ना कि इन टू अ बिल्डिंग बोलेंगे. ठीक है. क्योंकि इनक्लोज्ड है. ठीक है. ओके तो उसके उस सेंस में भी आपने इन यूज़ करना है. अच्छा 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 बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आया दिमाग में. रुको रुको क्या है ध्यान दो यहाँ पे देखो. किसी भी बड़े प्लेस के लिए
यस ठीक है, किसी बड़े प्लेस के लिए आप इन यूज करते हो, जैसे कि इन दिल्ली बोलेंगे ना कि एट दिल्ली बोलेंगे, ठीक है। अगर बोलना पड़ेगा कि मैं दिल्ली में जनकपुरी में रहता हूँ तो कैसे बोलेंगे? नूर जल्दी बताओ, मैं दिल्ली में जनकपुरी में रहता हूँ, जल्दी बताओ क्या बोलेंगे? नूर जल्दी बोल बेटा। बोलिए सर, फिर से बोलिए मैं दिल्ली में जनकपुरी में रहता हूँ, सर, एक बार रिपीट कीजिए। मैं दिल्ली में जनकपुरी में रहता हूँ। आई लिव एट जनकपुर इन दिल्ली। आई लिव एट जनकपुर इन दिल्ली। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। छोटे जगह के लिए एट यूज होता है और बड़े सिटीज के लिए इन यूज होगा, ठीक है, परफेक्टली सेट है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम कर जाते हैं, ठीक है। एट छोटे प्लेस के लिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सेंटेंस दे रहे हैं, दैट्स गुड गाइस, यू गॉट इट। यूज एट द टाइम ऑफ द डे, जब भी आपके टाइम डे के लिए यूज कर सकते हैं, जो टाइम होता है उसके लिए आप एट यूज करोगे, जैसे कि आई गो टू वर्क एट 8, आई ही ईट्स एट नून, ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक एट नाइट। अच्छा कोई मुझे बोलेगा कि हम एट नाइट बोलते हैं और एट इवनिंग क्यों नहीं बोलते, जल्दी बताओ। आई मीन एट नाइट बोलते हैं, इन नाइट क्यों नहीं बोलते और किस संदर्भ में बोलते हैं? इन द मॉर्निंग बोलते हैं एंड बोलिए। सर बिकॉज द लाइक मॉर्निंग आफ्टरनून ईव ऑल दिस आर यूज्ड विद द प्रेपोजिशन वेयर एज डॉन नून मिड डे मिड नाइट आर यूज्ड विद एट। होते तो है बट एनी स्पेसिफिक रीजन? सर इसीलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि रात के समय में नॉर्मली सब सोए हुए रहते हैं, इसीलिए हम लोग एट यूज करते हैं, ना कि लगता है इन नाइट यूज बेटा करते देखा, हैं। इसने शॉर्ट्स देखा है तुमने शायद। मैंने पता है गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों को यस प्रॉब्लम सर। होती है, तो मैंने ना शॉर्ट्स बनाया हुआ है, एक जाके यूट्यूब पे देखिएगा आप लोग, ठीक है। स्पेसिफिक मैंने चीज़ें बताया है वहाँ पे, तो वो ज़रूर देखिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए उसको देखना है गाइस, फिर कल बात करेंगे अगर आपने नहीं समझ पाया। अच्छा ऑन हम कहाँ यूज करते हैं? डेज के लिए, जैसे कि आई वर्क ऑन सैटरडेज, ही डज लॉन्ड्री ऑन वेंसडे, ठीक है गाइस। तो आज के क्लास को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। तो आज का आप लोगों का होमवर्क है कि जितने भी प्रेपोजिशन आपको बताए हैं, हर जिस जिस केसेस में समझाया मैंने, उससे रिलेटेड मेरे को सेंटेंस चाहिए, ठीक है। तो चाहिए आज टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप में डालोगे, नहीं ग्रुप में डालो, ग्रुप में डालो, सबको दिखना चाहिए कि कौन कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। नंबर वन ये करना है, और नंबर टू मेरे को 10 बजे तक कोई ना कोई बच्चा आज याद दिला देगा कि सर आज आप एडवर्ब का एक प्रॉपर MCQ टाइप का क्वेश्चन डालो आप, वो मेरे को कोई ना कोई याद दिलाएगा, ठीक है गाइस। ओके तो हाँ रिकॉर्डेड भी डाल दूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम। ओके ओके रितिक, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे बड़ी। ओके गाइस, सो एनी डाउट जल्दी बोलो, आई हैव टू जस्ट लीव, क्विक फायर एक्शन, जल्दी जल्दी बोलो। ओके ओके परफेक्ट।